कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स मत बोलने का मतलब क्या है कि मैं अपने से क्या कर रहा हूँ, डेस्क को धक्का दे रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि उसका मेरा डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है दूसरे से। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का किसी लगाने वाले फोर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आने के कारण जो फोर्स लगता है उसको कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। और एक ऑब्जेक्ट का मेरे द्वारा विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, मेरा उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है लेकिन उसके बाद उसके कारण फोर्स लगता है तब उसको बोला जाता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब क्या है कि फोर्स लगाने वाले पार्टी का जो एनर्जी दे रहा है वो और जिस पे लग रहा है वो, उसके बीच में इंट्रैक्शन होगा कि दोनों के इंट्रैक्शन तो होगा लेकिन दोनों के बीच में यदि कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो नॉन कॉन्टेक्ट, और यदि कॉन्टेक्ट है इसका मतलब क्या कॉन्टेक्ट। बोलोगे कैसा है नॉन कॉन्टेक्ट, उसका ये टाइप है इसको मैं बताऊंगा और इसको भी मैं बताऊंगा। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब हम बाइक चलाते हैं एक चीज देखना, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक कैसे होते रुकता है। देखो एक बॉल हमने मार दिया, बॉल को हमने मारा तो बॉल के हिसाब से हम जितना जोर से मारा बॉल को तो कंटिन्यू आगे भागते जाना चाहिए, क्यों, जब तक उसको कोई नहीं रोकेगा नहीं रुकना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो हमारे इसके सरफेस के कारण अर्थ सरफेस में बार बार टच कर करके ये टच करके क्या करते अपोज करता है, अपोजिंग फोर्स। जो फोर्स क्या करता है अपोज करता है उसी को क्या बोलते हैं, जो कॉन्टेक्ट फोर्स को अपोज करता है उसी को बोलते हैं क्या, जैसे अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस से क्या हुआ, अर्थ सरफेस के कारण बॉल टच किया, टच करने के कारण क्या हो रहा है उसके स्पीड को उसको मोशन को चेंज कर दे रहा है उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो ध्यान रखिए फ्रिक्शन फोर्स इज ड्यू टू द अर्थ सरफेस, अर्थ के द्वारा अर्थ सरफेस को लगाया गया चुंबक जानते हैं मैग्नेट है ना, तो ये मैग्नेट में क्या होता है जो मैग्नेटिक मटेरियल बहुत सारे क्या मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के कारण उसमें क्या होता है, जैसे मैग्नेट होता है तो पोल होता है, यहाँ पास पोल, यहाँ पास जैसे साउथ पोल है या नॉर्थ पोल होता है, दो पोल होता है, इस डिफरेंस इसका जो प्रॉपर्टी क्या होने के कारण डिफरेंस होने के कारण इसमें क्या होता है एक दूसरे पे जो फोर्स लगता है जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट में क्या होता है मैग्नेट के डिफरेंट अनलाइक पोल, इसके कारण अनलाइक पोल, अनलाइक पोल के कारण मतलब क्या है कि जैसे नॉर्थ होता है।
रिपल्सन होता है और अलग अलग इंग्लिश में क्या होता है अट्रैक्शन होता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लगभग एक ही जैसा है, बिना कॉन्टेक्ट न्याय में फोर्स जो लगता है, जैसे कि यहाँ पास क्या होता है ये एक मैं क्या इलेक्ट्रिक मटेरियल दे रही हूँ, इलेक्ट्रिक मटेरियल को छोड़ो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ एक बता तुमको तो बहुत इजीली एग्जांपल। अपन क्या करते हैं कोई भी कंघी वगैरह पेन वगैरह को अपन रबर से ऐसे ऐसे क्या करते हैं रब करते हैं। रबिंग करने से मतलब क्या होता है कि मैं अपने एनर्जी कुछ को दे रहा हूँ, इसके करने से जैसे हम छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में लेके आते हैं तो कुछ कुछ टुकड़े उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होना का मतलब क्या हो जाता है चार्ज, हम जब किसी पार्टिकल पर रबिंग करते हैं घिसते हैं तो उसका ये एनर्जी क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है, वो स्टोर एनर्जी उस कुछ कुछ पार्टिकल को क्या करने की एबिलिटी रखते हैं कैपेसिटी रखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने का, कैसा तो इसमें भी आता है लाइक चार्ज, उसी को क्या करते हैं चार्ज लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, तो इसमें पॉजिटिव होता है और क्या होता है नेगेटिव, तो उसी में क्या किया गया था ये ग्लास को जो अट्रैक्ट कर लेता है ग्लास में रबिंग करने से जो अट्रैक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है और जो नहीं कर पा रहे हैं उसको क्या बोल देते हैं अपन नेगेटिव, तो इसमें भी प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव दोनों मतलब क्या है लाइट के बीच में क्या होता है यहाँ पास कौन सा फोर्स लगता है रिपल्सन फोर्स लगता है और यहाँ अलग अलग है मतलब कौन सा अनलाइक चार्ज उसके बीच में क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसीलिए देखे होंगे कि यहाँ पास क्या होता है कि करंट भी कभी भी लाइट के बीच जब हाई वोल्टेज के बीच में जाते हैं तो बॉडी को अभी अट्रैक्ट कर लेता है, तो किसके कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब उसमें एक इलेक्ट्रिक मटेरियल से प्रॉपर्टीज होती है कि उसको ऐसा डिजाइन किया गया जाता है ऐसा बनाया गया रहता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी रहता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू ही इस चार्ज में क्या करता है जब शॉर्ट लगता है दो वायर के बीच में जब शॉर्ट लगता है तो भी वहाँ पास देखेंगे कि वो खींचते हुए दिखाई देता है, तो वही इसी एनर्जी को चार्ज को पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के रूप में यहाँ पर बदल जाता है जो कि इलेक्ट्रिक मटेरियल में था उसी प्रॉपर्टी के कारण ही एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल कर पाते हैं उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि ग्रेविटी ग्रेविटी का मतलब होता है अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी होता है हमारे अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स है कि जब हम किसी भी पार्टिकल को ऊपर के ऊपर फेंकते हैं तो क्या हो जाता है इट्स अगेन कम बैक टू द अर्थ, अर्थ में ही आके गिरता है। व्हाई इट्स हैपन है ये ऐसा क्यों होता है तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स है जिसको अपन क्या बोलते हैं जिसका नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किसी भी पार्टिकल्स को क्या करने की एबिलिटी रखता है अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है एक पर्टिकुलर एरिया तक है ना एक अर्थ के पर्टिकुलर एरिया तक कोई भी पार्टिकल्स को रखने से क्या कर देता है वो अपने साइड में क्या करता है अट्रैक्ट करता है हाँ लेकिन एक टाइम के एक एरिया के बाद वहाँ पर भी ग्रेविटी काम नहीं करता है वो आउट ऑफ ग्रेविटी चला जाता है, जैसे कि अपन क्या करते हैं सैटेलाइट वगैरह को भेजते हैं तो अपन क्या ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजते हैं जिससे वो कभी बाहर ना आए और अपने बाहर ही रह जाए वो कभी अपने अर्थ पे आकर ना गिरे, तो एक पर्टिकुलर जैसे अर्थ है अर्थ के पर्टिकुलर एरिया तक किसी भी पार्टिकल्स को अपन देखेंगे तो क्या हो जाता है अर्थ के साइड पे ही आके गिरता है उस फोर्स को बोला जाता है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इतना पार्ट अपना फोर्स कर रहा है कि फोर्स क्या है कैसा है ठीक है। एक चीज उसके बाद अपन देखते हैं प्रेशर। अब प्रेशर टर्म को अपन सुने कि दिमाग में प्रेशर है इसमें प्रेशर है ऐसा तो नहीं, तो प्रेशर का मेन जो मतलब होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब क्या है इसका मतलब मैं रेंट का बात किया था तो फोर्स अपॉन एरिया का मतलब ये होता है और इसका एस आई यूनिट जो होता है एस आई यूनिट जो होता है पास्कल क्या होता है पास्कल इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी पार्टिकल को फोर्स लग रहा है कितने एरिया पे लग रहा है कितना एरिया पे उसका रेट है ना उसका रेट मतलब कितना रेट पे कितना एरिया पे क्या लग रहा है प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब क्या है कि जब हम फोर्स लगाते हैं जैसे देखेंगे कि यहाँ पास क्या है ये यहाँ इतना बड़ा सा क्या है कि जब इतना बड़ा एरिया है उसमें मैं एक पर्टिकुलर एरिया पे छेद कर दूं तो वहां तो छेद हो जाता है
लेकिन उतने ही फोर्स के हमें एक यूनिट एक्सेलरेशन के आसपास क्या है कि ये पार्टिकल यहां पास मैं ड्रिल कर रहा हूं, इतना पार्टिकल मैं कर रहा हूं तो ड्रिल हो जाता है। जैसे हम किसी पार्ट को तोड़ना चाहते हैं तो छोटे-छोटे छोटे-छोटे पार्ट करके तोड़ लेते हैं, लेकिन बड़ा पार्ट एक साथ तोड़ पाएंगे क्या उतने ही फोर्स पे? नहीं। तो यहां पास क्या होता है कि वही प्रेशर है, प्रेशर किसी पर्टिकुलर एरिया पे देने पर ज्यादा होता है कि पूरे, जैसे यहां पास क्या करो कि मैं इस दीवार के एक-एक पीस करके क्या कर सकता हूं, मेरे पास अब है कि एक-एक पीस करके मैं पूरे दीवार का यहां पास क्या एक-एक ब्रिक्स निकाल सकता हूं, लेकिन क्या ये मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं पूरे दीवार को एक साथ यहां पास गिरा सकता हूं? नहीं। तो वही है कि एक-एक को करने की जो एबिलिटी होती है, फोर्स के पर्टिकुलर एरिया पर काम करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज अ प्रेशर, उसी को एक प्रेशर, प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? पास्कल। तो पास्कल को कैसे लिख सकते हैं? फोर्स। तो फोर्स की यूनिट में क्या होता है? न्यूटन। और यहां पर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रिज। लेंथ क्या? मीटर से। ब्रिज भी क्या? मीटर। तो मीटर इनटू मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इस इसका मीटर का इसका क्या? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के पास्कल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि एक स्क्वायर मीटर पे एक मीटर है, एक मीटर है ना, तब तो मीटर है। एक स्क्वायर मीटर पे एरिया, यहाँ एरिया कितना होना चाहिए कि वन स्क्वायर मीटर है ना। तो वन स्क्वायर मीटर पे यदि मैं क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, एक मैंने फोर्स लगाया तो कितने एरिया पे लगा? वन मीटर स्क्वायर पे लगा। कौन सा? वन मीटर का फोर्स। यदि मैं वन मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाता हूँ तो जितना प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको वन पास्कल बोलते हैं, ठीक है। यदि मैं वन मीटर का फोर्स यदि वन मीटर एरिया स्क्वायर पे लगाता हूँ जिससे उन पे प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वन पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो वही है हमारा प्रेशर, प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो देखो मैं यहां पर बात करता हूं लिक्विड का, तो देखने चीज को कि भाई जब हम क्या करते हैं कि पानी का टब, टब एक टब में पानी भरा हुआ है उस पे मैं ऐसा सीट को लेकर यदि ऐसा मैं प्रेशर डालता हूं तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि हम वहां पर प्रेशर ठीक से नहीं डाल पाते हैं, यहां पर बैलेंस नहीं हो पाता है। लेकिन बिना सीट, छोटा सा सीट करो तो छोटा सीट को हम प्रेशर डाले तो इजिली हम वहां पर पानी के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन बड़ा सा सीट लेकर यदि मैं प्रेस करूंगा तो यह हो सकता है कि मुझे ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ रही है या तो फिर मैं वहां पर प्रेशर नहीं लगा पा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे लिक्विड होते हैं, हमारे यहां पर जो छोटे 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 यहाँ पास पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। हमको पता है कि हमारे जो पूरे यूनिवर्स पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने थे जिसको अपन क्या बोलते हैं? एटम। और जितने भी एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जितना छोटा से छोटा पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एटम। और वही एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पास क्या करता है? रेंडमली यहाँ पास घूमते रहते हैं, चाहे वो गैस के केसेस पे हो, मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ, चाहे वो लिक्विड के केसेस पे हो या तो फिर गैस के केसेस पे हो, तो दोनों लिक्विड और गैस में क्या होता है कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, और फ्री होकर क्या करते हैं? एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइड। तो कोलाइड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से टकराना। और क्या होता है कि ये जो यहाँ पास कंटेनर दिख रहा है, उस कंटेनर के सरफेस से, सॉरी, इस कंटेनर के सरफेस से टकराते रहते हैं। टकराना मतलब कोलाइड होना, यहां से दूसरे के एटम्स यहां बस क्या करते रहते हैं? कोलाइड होते रहते हैं। कोलाइड होते 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 वो क्या करते हैं? अपने एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं, और उसी के कारण ये क्या करते हैं? एक प्रेशर जनरेट करते हैं, आइदर इट इज इन गैस और लिक्विड। तो जो वाटर के सरफेस में होते हैं उसी को टेंशन फोर्स बोल दिया जाता है। इसी में क्या बोल दिया जाता है? इसको टेंशन फोर्स भी बोल दिया जाता है। एक चीज याद रखना, ठीक है। तो लिक्विड में या गैसेस में उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। अपन को पता है कि कोई भी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जिसको हॉट डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको अपन एटम बोलते हैं, और वही एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो किसी भी पार्ट, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड चाहे ऑयल हो या तो फिर वाटर हो
ये सब क्या करते हैं कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड होते रहते हैं और या कोलाइड होकर फिर वो सरफेस से टकराते रहते हैं। तो उसके टकराने की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, या तो फिर लिक्विड के केसेस में तो लिक्विड, गैस के केसेस में तो गैस, उसी को बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस। ठीक है, एक टर्म हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है? ये हमारा एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपस क्या है, गैस है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या आपस गैसेस है। तो इस गैसेस के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इस एटमॉस्फेयर में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। और इसी कोलाइड होने के कारण, इसी कोलाइड होने के कारण जो प्रेशर बनता है हमारे जो एटमॉस्फेयर पे, इस एयर पे, इसको अपन क्या बोल देते हैं यहाँ पर एयर। तो यहाँ पर जो एयर है, एयर किसी की जैसे लिक्विड हो गया, वो यहाँ पर क्या है कि आर्गन गैस है, O2 गैस है, CO2 गैस है, नाइट्रोजन गैसेस है, ये सारे गैस मिलकर एक दूसरे के यहाँ पर एयर बनाते हैं, एक एटमॉस्फेयर है। इस एयर पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दूसरे के कोलाइड होने के कारण, एक दूसरे से टक्कर खाने के कारण, ये आपस क्या है एटमॉस्फेयर पे एक प्रेशर बना के रखता है। इसी प्रेशर को क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये हमारा प्रेशर। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस, फोर्सेस का क्या इफेक्ट हो सकता है, फोर्स कौन से टाइप के होते हैं, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या है, ये सारे डिटेल्स हमने इस वीडियो में पढ़ा है। इससे रिलेटेड आपकी यूनिट में इतना ही कुछ होगा, ये सब सारे चीज़ें किसी को डाउट होगा तो मेरे को फोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।